हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचेता मुदके बात कर रही हूँ। फेविक्रिल कलाकृति के लिए कंपटीशन चल रहे हैं ना, इसीलिए मैं रंगोली पेंटिंग दिखा रही हूँ। पहले रंगोली पेंटिंग के लिए एक डार्क कलर का पेपर लेना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी ड्रॉ करके रखना है और रंगोली लेना है। रंगोली मीन्स ये संस्कार भारती के लिए यूज़ करते हैं ना, वो झाड़ा वाला, वो फ्री फ्लोर होता है, इसीलिए उसको धोकर थोड़ा क्लीन करके सुखा कर रेडी करना है। और नेक्स्ट मीन्स एक खाली बोतल में फेविकॉल और थोड़ा वाइट कलर और थोड़ा पानी मिक्स करके रखना है और इसको डिज़ाइन के ऊपर अप्लाई करना है। करके दिखाती हूँ, एक एक पार्ट छोड़ी मैं। समझती हूँ आपको पता होगा, ये ऐसे एक एक करके थोड़ा सा रंगोली डाल के और पेपर के ऊपर छिड़कना है। और ये सूखने के बाद और साइड का और एक पेटल है, वो भी करना है। ये बच्चों के लिए बहुत इजी मेथड है। ये सूखने के बाद और थोड़ा हमें 3D लुक चाहिए तो इसके ऊपर और कहीं 3D लुक चाहिए उसके ऊपर और एक लाइन फेविकॉल लगा के थोड़ा रंगोली डालें। और ये सूखने के बाद कलरिंग करना है। और कलर कैसे करना है वो बताती हूँ। ये सब सूख गया, पहले कर चुकी मैं। इसके ऊपर प्लेन वाटर लेके प्लेन वाटर अप्लाई करना है एक एक करके। पहले साइड में थोड़ा लाइट कलर कोई भी और डार्क कलर थोड़ा सा टच करने से वो अपने आप मिक्स हो जाता है। इतना सा बस। और नेक्स्ट वैसे ही सेम मेथड प्लेन वाटर अप्लाई करके कलर करना है। आप देख रहे हैं ना कैसे स्प्रेड हो रहा है। इस तरह कोई भी डिजाइन कर सकते हैं आप। राधा कृष्ण का कर सकते हैं, भगवान शिव का कर सकते हैं, कोई डिजाइन हमको कौन सा अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत इजी मेथड है।
कैसा लगा फ्रेंड्स? आपको अच्छा लगा होगा। अब तो ये ख़त्म हो गया। कैसे लग रहे हैं आप वॉच करने के लिए? धन्यवाद।